ये चार आश्रमों की व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने क्रमशः बताई है। आप पैदा होते ही ब्रह्मचारी से सीधे सन्यासी भी बन सकते हो, गृहस्थ वानप्रस्थ की भी आवश्यकता नहीं, परंतु नीचे से ऊपर तक तो कहीं भी चले जाओ, ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए। पता चला सन्यासी बन गए और सन्यासी के बाद फिर मन नहीं माना तो गृहस्थ हो गए, तो ये पतन माना जाएगा। सन्यासी गृहस्थ बने ये तो पतित हो गया। नीचे से ऊपर तक जाओ, ऊपर से नीचे की तरफ मत लौटो। ये आश्रम व्यवस्थाएं हैं। इसके साथ ही सप्तम स्कंद को विराम, अष्टम स्कंद में प्रवेश, जिन 24 अध्यायों के अंतर्गत मनवंतरों की कथा का निरूपण किया गया है। प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का प्राकट्य होता है, अवतार होता है। मनवंतर किसे कहते हैं? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, इससे ठीक दुगनी आयु है द्वापर की 8,64,000 वर्ष। कलयुग से 3 गुनी आयु है त्रेता की, 4 गुनी आयु है सतयुग की। अब 4 युगों की आयु जोड़ ली जाए तो संख्या हो जाएगी 43,20,000 वर्ष। हम मानवों के 43,20,000 वर्ष जब पूरे होते हैं तब 4 युगों का एक चक्कर लगता है, धरती पर 4 युग बीत जाते हैं। और 4 युग जब 1,000 बार बीत जाएं, 1,000 माने 4 युगों के एक चक्कर को चतुर्युगी कहते हैं, तो 1,000 चतुर्युगी जब संपन्न होती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इतने बड़े एक दिन के हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन को ही कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन माने एक कल्प। ब्रह्मा जी के एक कल्प में, एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं, और एक मनमंत्र मैं निवेदन कर रहा था 72 चतुर्युगी का होता है। जब हम लोगों का नया साल आवे तो पंचांग सुनना चाहिए, पंचांग में ये सारा विवरण बहुत विस्तार से आता है, लिखा होता है, ज्योतिषी लोग सब लिखते हैं, गणना पूरा गणित है विस्तार से। सृष्टि का शुभारंभ हो गया, कितने वर्ष बीत गए, वर्तमान में ये जो कलयुग चल रहा है ये किस नंबर का कलयुग है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र, तो वर्तमान में ये 7वां मनमंत्र चल रहा है। इस 7वें मनमंत्र का ये जो कलयुग है वो 28वें नंबर का है। अब 72 चारों युग 72 बार बीते तब एक मनमंत्र होगा, तो ये जो कलयुग है ये 28वां कलयुग है, 28वां कलयुग और 7वां मनमंत्र। ये पूरी गणना बहुत विस्तार से पंचांग में आती है, पर हम लोग तो अपना नया साल ही भूल गए। बोलो राधे राधे। प्रायः सब लोग बस ये आया नया साल 1 जनवरी इसी को ही मानते हैं, और वस्तुतः हमारा नया साल कौन सा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र की जो नवरात्रियां आती हैं ये हमारा नया साल है। और चैत्र में जब हम लोगों का नया साल आता है तो देखिए सब कुछ नया नया नजर आएगा आपको। चैत्र का नवदुर्गा आई, नया साल आते ही मौसम बदल गया, बसंती छाई गई। नया साल आते ही माताओं ने प्रातःकाल जगते ही देवी मां की उपासना प्रारंभ कर दी। जल लिए माताएं गली गली में जाती नजर आती हैं देवी मां की पूजा करने के लिए। नवदुर्गा शक्ति की उपासना नव वर्ष प्रारंभ होते ही हम लोग कर देते हैं। और विशेषता सुनो, किसानों के घर में नई फसल आने लग जाती है। नया साल आया, नई फसल आई, वो नई फसल के साथ नव वर्ष का शुभारंभ करते हैं। और सुनो, सारी प्रकृति में आप ध्यान दें, पुराने पत्ते झड़ने लगेंगे और नव कोमल पल्लव आने लगेंगे, नूतन पल्लव सारी प्रकृति धारण करती है। सारा संसार, सारी प्रकृति हमारा नव वर्ष मनाती है। वृक्षों में नव कोमल नव वर्ष में, किसानों के यहां नई फसल नव वर्ष में, देवी मात की उपासना नव वर्ष में, राम जी का प्राकट्य नव वर्ष में, चैत्र शुक्ल। और इतना ही नहीं, सरकार का लेखा जोखा भी नव वर्ष में, मार्च में।
मार्च के अंत में ही नवदुर्गा लगभग उसी अवधि में आती है, तो लेखा जोखा भी सरकार का वही 31 मार्च को, तो नया साल वही माना जाएगा कि नहीं? तो सब प्रकार से नवीनता ही नवीनता चारों ओर नजर आएगी हमारे नव वर्ष में। अब इस नव वर्ष में आपको क्या नया लग रहा है वो तो आप ही जानो। बोलो राधे राधे। इसलिए हमें अपने नव वर्ष का ध्यान रखना चाहिए और उस नव वर्ष के शुभारंभ में पंचांग अवश्य पढ़ना चाहिए या किसी ब्राह्मण से सुनना चाहिए घर में नूतन वर्ष पर, ताकि पता चले संसार का स्वरूप क्या है। सारी गणना गणित की हमारे ज्योतिषी पंचांग में सब विस्तार से लिख देते हैं। इस कलयुग में 4,32,000 वर्ष की जो उम्र है, तो कितने वर्ष कलयुग के बीत गए और कितने वर्ष और बाकी हैं, वो भी सब विवरण उसमें लिखा रहता है। तो इन सब मनमंत्रों की चर्चा अष्टम स्कंद में विस्तार से बतलाई गई है। 24 अध्यायों एक मनमंत्र में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया हरि अवतार में। कथा प्रसिद्ध है, एक हाथी हथनियों के साथ मस्त घूमता था, बड़ा बल पराक्रमी था, इतना खतरनाक था कि जिस गली से निकल जाए उसके मादक गंध को सूंघ करके बड़े बड़े सिंह भी डर के भाग जाते थे, सिंह भी भयभीत रहते थे, इतना मस्त गजराज था, पूरे जंगल का राजा, सैकड़ों हथनियों का झुंड इसके आगे पीछे चलता था। गर्मियों का मौसम आया तो पानी की खोज में चलते चलते सरोवर मिल गया, सो घुस गया, खूब चकाचक पानी पिया और जल क्रीड़ा प्रारंभ कर दिया। सूंड में पानी भर भर के हथनियों पर उछालने लगा, इतना मस्त होकर के नहाया कि पूरा सरोवर गंदा कर दिया। सरोवर का मगर इस बात पर क्रुद्ध हो गया, उसने दौड़ के पैर पकड़ लिया। हाथी मन में सोचा कि ये नन्ना सा जीव मुझे पकड़ना चाहता है, परंतु जब पैर छुड़ाने लगा तो मगर भी बड़ा बलशाली निकला। हाथी समझ गया छोटा नहीं है, इतना जोर का बल लगाया कि मगर को खींचता हुआ किनारे तक ले आया, परंतु जब मगर ने जोर लगाया तो घसीट के फिर ले गया भीतर। खींचातानी दोनों के बीच युद्ध की प्रारंभ हो गई, परंतु धीरे धीरे मगर की शक्ति बढ़ती गई और हाथी का बल घटता गया, क्योंकि पानी में था, पानी का राजा मगर। जब हाथी को लगने लगा ये इस पर मैं विजय नहीं पा सकूंगा, तो हथनियों की तरफ देखने लगा, देवियों तुम थोड़ी सहायता करो मेरी। तो सारी हथनियों ने मिलकर के सूंड में सूंड बांध करके अपने स्वामी जी को खींचा, मगर भी इतना जबरदस्त निकला कि सबके साथ पकड़ के फिर घसीट ले गया। बहुत समय हो गया इस लड़ाई को, हथनियों ने अच्छी तरह समझ लिया कि अब इनको बचा पाना असंभव, तो एक एक करके सारी हथनियां वापस लौटने लगी जंगल की तरफ। हाथी चिंगाड़ने लगा, कहां जा रही हो देवियों मुझे अकेला छोड़कर? हथनियों ने कहा, हमें बड़ा कष्ट है आपका, परंतु क्या करें, अब इस किनारे कब तक बैठी रहे, आकर के पूरा परिवार भूखा प्यास भूखा है, तुम्हारी प्रतीक्षा में कब तक खड़े रहे, या तो भीतर ही चले जाओ या बाहर ही आ जाओ। अंत में सब चले। हाथी को बड़ी ग्लानी हुई, राम राम, इतने बड़े परिवार के साथ में कितना मस्त घूमता था ये मान करके मेरा इतना बड़ा परिवार है, और आज विपत्ति आई तो सबने साथ छोड़ दिया। यही संसार का भी स्वरूप है, हम लोग समाज में संसार में हाथी की तरह मस्त घूमते तो हैं, देह के अभिमान में। हाथी का देह बड़ा विशाल होता है, और विशाल देह के साथ साथ नाक उसकी बहुत ही लंबी होती है, सुन, ऐसी हम लोग भी प्रतिष्ठा की नाक बहुत लंबी लगा के समाज में देहाभिमान लिए हाथी की तरह मस्त घूमते हैं, हमारी नाक ना कट जाए, नाक बहुत बड़ी है, नाक को प्रतिष्ठा का स्वरूप माना जाता है, परंतु हमारा अभिमान रूपी ये बल कब टूटता है, जब मगर पैर पकड़ता है। मगर पैर पकड़ने का मतलब मृत्यु रूपी मगर बुढ़ापे में सबसे पहले पैर ही पकड़ता है, घुटनों का दर्द चालू होता है, यहीं से बीमारी समस्याएं बुढ़ापे में यहीं से प्रारंभ होती है, पैर से, साहब पैर काम नहीं करते, घुटने रह गए, चल नहीं पाते,
सावधान हो जाओ, मगर ने पैर पकड़ लिया। और उस समय जरा जोश में रहते हैं तो होश नहीं रहता, अरे सब होता रहता है। अब सबके बस की बात नहीं है कि अपने घुटने ही बदलवा ले, ऊंचा पद प्रतिष्ठा हो तो घुटने भी बदल जाते हैं। बोलो राधे राधे। पर कब तक लड़ेंगे इस मगर के साथ भाई? परिवार के लोगों ने भी सहायता तो बहुत करी, अतनियों ने निकालने की कोशिश करी, पर मगर ने नहीं छोड़ा। ऐसे ही जब बीमार पड़ते हैं बुढ़ापे में तो परिवार के लोग भी खूब सेवा करते हैं, बढ़िया बढ़िया डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, बढ़िया से बढ़िया दवा दिलाते हैं। परंतु जब डॉक्टर साहब कह देते हैं बुढ़ापे का शरीर है, अब बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, जितनी बन जाए सेवा कर लो, अब ये ठीक नहीं होने वाले, सोई खटिया डाल दी एकांत में, लेट गए। वार्ताम प्रच्छति कोपी न गे है, फिर कोई घर में न तो बैठना पसंद करता है हमारे पास, न बात करना पसंद करता है। और अंत में एक दिन वो आ जाता है कि जब साल दो साल खटिया में पड़े हो जाएं, तो परिवार के लोग कहने लगते हैं, हे भगवान अब इनकी जल्दी सुन लो, दो साल से खटिया में पड़े हैं, आकर के कब तक सेवा करें, या तो ठीक ही हो जाए या भगवान के प्यारे हो जाए। बोलो राधे राधे। मृत्यु रूपी मगर से मानव मात्र को अकेले ही लड़ना है, कोई साथ देने वाला नहीं है। और जीव को अंतकाल में सबसे बड़ी पीड़ा इसी बात की होती है कि जिनको मैं अपना मानता रहा उनमें से कोई मेरे काम नहीं आया, और जो सचमुच मेरे काम आने वाले हैं, इस मगर से बचाने वाले हैं, उनको मैंने कभी अपना नहीं माना, उनको कभी अपना नहीं समझा। हाथी ने संसार के स्वार्थी स्वरूप को समझ लिया, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहू को नाही। नानक जी का वचन, सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चहू दिस घेरे, पर विपत्ति पड़ी सब ही संग छाणत, को न आवत नेरे। ये ज्ञान हाथी को हो गया तब उसने सबसे मन हटा के माधव को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत्सिद्धात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र स्तुति है। इस गजराज ने जो गोविंद को पुकारा है पूरे एक अध्याय में, इस गजेंद्र मोक्ष का कोई नित्य पाठ करे तो भगवान बड़े बड़े संकट से उसकी रक्षा करते हैं। अथवा कोई संकट काल आ जाए, कोई विपत्ति काल आ जाए, तो ससंकल्प जब इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो कि हे प्रभु इस संकट से हमें बचा लो, ऐसा प्रभु से प्रार्थना करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, संकट चुटकियों में टल जाता है। ये चमत्कार है इस स्तोत्र का। तो गजराज ने इस मार्मिक निर्विशेष स्तुति के द्वारा गोविंद का वंदन किया, स्तवन किया, सारे देवता आकाश में छा गए, पर प्रतीक्षा में है कि हमारा नाम लेके हमें बुलावे, हम तुरंत चल देंगे, पर नाम किसी का लेता ही नहीं। तो प्रभु ने सोचा ये स्तुति किसी किसकी मानी जाए भाई, बोले जो किसी की नहीं सो हमारी। भगवान ने प्रतीक्षा नहीं करी, वो तो गरुड़ारूढ़ होके दौड़ पड़े, और नारायण को जब इसने देख लिया तब इसने तुरंत एक कमल दल सरोवर का लेकर के सूंड से वो कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। जब भगवान ने देखा ये तो पूरा डूबा जा रहा है, तो मारी छलांग, तुरंत सूंड पकड़ के बाहर खींच लिया, मगर भी खिंचा चला आया। ग्राहक विपाटित मुखा धरिणा गजेंद्रम, भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र से तुरंत उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजराज तत्क्षण मुक्त हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मृत्यु के मगर से बचाने में सामर्थ्य केवल माधव की है, मां की संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। दोनों ने दिव्य स्तुति करके वंदन किया और दोनों ही देह त्याग के परम धाम को चले गए। आइए एक बार हम और आप भी मिलकर के माधव का उसी भाव से आर्त होकर के वंदन करें। हे गोविंद, हे गोपाल,
सनुश्रवलेन नहितार्थो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खोपात चक्रम् उत्क्षिप्य सांभुज कनं गिरवाह प्रच्छ्रा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। आर्त होकर के श्री हरि को गजराज ने पुकारा, गोविंद ने तत्क्षण आकर के ग्रह से उसे उबारा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये दोनों ही संतों से शापित थे। ये जो मगर था, पूर्व का गंधर्व था, इसका नाम था हु। गंधर्वों में कई गंधर्व ऐसे होते हैं जो देवताओं का मनोरंजन किया करते हैं, विदूषक की तरह सबको हंसाने का ही इनका काम है, इसलिए इनके नाम ही होते हैं हा हा हू हू, हंसाने का काम करते हैं ना, तो इसका नाम था हू हू। एक दिन ये सरोवर में नहाने के लिए आया, देवल नाम के ऋषि स्नानोपरांत कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। इसको परिहास सूझा, पानी में डुबकी मारी, धीरे से महाराज जी का पैर पकड़ लिया पानी के भीतर। महाराज जी डर गए, उन्हें लगा कोई जान किसी जीव ने पकड़ लिया, डर के मारे चिल्लाते हुए भागे, बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे चिल्ला के बाहर निकले तो ये बाहर उछल के हंसने लगा, कहो महाराज जी डरा दिया। महाराज जी के तो पसीना झूट गए, मूर्ख कहीं का, अच्छा भला मैं भजन कर रहा था, पूरा मेरा मन खराब हो गया, मेरी अभी तक धड़कन तेज हो रही है, तेरे को मगर बनने का ज्यादा शौक है, मूर्ख मैं तेरे को शाप देता हूं तू सचमुच मगर बन जा। सोई रोने लगा, अरे महाराज जी मैं तो आपका थोड़ा मनोरंजन करना चाह रहा था, अरे हम लोगों का तो काम ही है हंसना हंसाना, अब मुझे नहीं मालूम था आपको इतना बुरा लग जाएगा, महाराज जी आपने क्या कर दिया मेरे को मगर बना दिया। महात्मा को बाद में दया भी आ गई, अच्छा भाई अब मेरा साप मिथ्या हो नहीं सकता, मगर तो तेरे को बनना पड़ेगा, पर जा मेरा आशीर्वाद है ऐसी पैर पकड़ते रहना, तेरा कल्याण भी हो जाएगा। तो आज इसने हाथी का पैर पकड़ा और इसका उद्धार हो गया। इसलिए संत कहते हैं बिना पैर पकड़े कल्याण होने वाला। एक संत तो बहुत बढ़िया दोहा बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनिए और सावधान होकर के अर्थ कीजिए। पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख हो, पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शायद ये दोहा आपको बहुत पसंद आया हो, बोलो राधे 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 राधे। पर मैंने निवेदन किया अर्थ जरा सावधान होके करना। पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करने से कहीं प्रभु मिलते हैं, क्या मतलब है? पा माने पैर, शास्त्रों में कई जगह, रामायण में तो कई बार पा माने पैर का प्रयोग किया गया है। मारत हूपा परिय तुम्हारे हैं, तो पा माने पैर, पैर पकड़ोगे तो प्रभु मिलेंगे, पाप करने से थोड़ी मिलेंगे। पा पकड़े
प्रभु जी मिले। थोड़े अनुस्वार का अंतर है। पाप पकड़े, पाप करे नहीं, पाप पकड़े पकड़े, बस ऐसे ही करते जाओ, अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। पाप पकड़े प्रभु जी मिले, पाप पकड़े सुख हो, पाप पकड़े मुक्ति मिले, तो भैया पाप पकड़ो सबको। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मगर ने हाथी का पैर पकड़ा, हाथी ने प्रभु का पैर पकड़ा, दोनों का कल्याण हो गया। आपने तार पकड़ लिया तो आपको तो करंट लग गया, अब आपको जिसने पकड़ लिया उसे भी करंट लग गया। ऐसे ही भगवान पकड़ में नहीं आते तो मत पकड़ो, जिसने प्रभु को पकड़ रखा है ऐसे किसी संत को पकड़ लो तो आपको भी भगवान की कृपा पूरी पूरी उस करंट की तरह मिल जाएगी। तो हाथी और मगर आज दोनों का प्रभु की कृपा से उद्धार हो गया। ये जो हाथी था, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जो बैठ के एकांत में भजन कर रहा था, अगस्त मुनि आ गए, सो खड़े होके दंडवत प्रणाम नहीं किया। महात्मा क्रुद्ध हो गए, शाद दिया, यथा गजह स्तब्ध मति सैव, मूर्ख जा तू हाथी बन जा। चरणों में गिर के जब माफी मांगी तो बाबा बोले, हाथी तो तू अवश्य बनेगा, पर हाथी के शरीर में भी तुझे भगवत भक्ति का संस्कार बना रहेगा। इसलिए इसने हाथी के शरीर से भगवान की स्तुति गाई और इसका कल्याण हुआ। एक मनमंत्र में भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को अमृत का पान कराया था। एक बार दुर्वासा मुनि बैकुंठनाथ का दर्शन करने बैकुंठ पहुंच गए थे। श्री हरि नारायण ने प्रसन्न होकर के अपने गले की दिव्य माला उतार के प्रसाद रूप में दुर्वासा जी के कंठ में डाल दी। दुर्वासा जी खुशी में नाचने लगे, ठाकुर जी ने मुझे अपने हाथों से माला पहनाई है, प्रभु की प्रसादी माला है। तो भगवत प्रसादी का संतों के यहां बड़ा मूल्य है। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न, जो भी सामने आता है उसी को माला दिखाते हैं। देखो देखो ये माला ठाकुर जी ने अपने हाथ से स्वयं मुझे प्रदान करी है। जो भी प्रणाम करता उसी को दुर्वासा जी माला दिखाते हैं। ऐसी माला कभी देखी है? नहीं महाराज, कभी नहीं देखी, बड़ी प्यारी लग रही है, कहां से मिली? बाबा बोले, ऐसे नहीं मिली, ठाकुर जी ने अपने हाथ से पहनाई है, बैकुंठनाथ की प्रसादी माला है, ऐसे सबको माला दिखाते घूम रहे थे। अचानक सामने से देवराज इंद्र हाथी पर बैठे तमाम देवताओं से घिरे चले आ रहे थे। लोग सब जय जयकार बोल रहे थे। दुर्वासा जी को देखते ही इंद्र ने प्रणाम किया तो बाबा ने आशीर्वाद में वही माला उतार के इंद्र को पहना दी। आशीर्वाद, संत जब प्रसन्न होते हैं तो माला दे देते हैं, परंतु सभी तो माला का महत्व नहीं समझते। इंद्र उस समय अपने पद की गर्मी में बैठे थे, उनको ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा कि बाबा ने देखो अपनी पहनी पहनाई माला है, हमको पहना दी। अरे हम भी देवताओं के राजा हैं, ऐसी वैसी माला थोड़ी पहनेंगे। पर दुर्वासा जी पहना रहे हैं इसलिए मना तो नहीं कर पाए, पहन लिए। दुर्वासा जी बोले, ऐसी वैसी माला नहीं है, साक्षात हमारे प्रभु वैकुंठनाथ ने मेरे को पहनाई थी, वही प्रसादी तेरे को दे रहा हूं। पर इंद्र मन में सोच रहे, पहले प्रभु ने पहनी, फिर इन ने पहनी, सबकी पहनी पहनाई, हमको पहना थी। उसने वो महत्व तो नहीं समझा। पर दुर्वासा जी से मना कर दें तो एक मिनट में श्राप दे देंगे, डर के मारे पहन लिए। और जहां दुर्वासा जी पहना करके आगे बढ़े सो तुरंत उतार करके हाथी के माथे पर धर दिया। ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे दुर्वासा जी, उनका मन माला में ही अटका था। मन हुआ कि जरा देखूं तो मेरी माला से कैसा लग रहा है इंद्र। पीछे मुड़ के धर देखा, जो पीछे मुड़ के देखा उसी वक्त हाथी ने सूंड ऊपर उठा के माला को सूंड में लपेट लिया और नीचे धर के जानवर ठहरा। नीचे रखते पैर से कुचल डाला, माला पर पैर रख करके हाथी आगे बढ़ गया और दुर्वासा जी देखते ही लाल पीले हो गए। राम राम, भगवत प्रसादी माला मैंने कितने प्यार से इस मूर्ख को पहनाई, इसने एक मिनट में सत्यानाश कर दिया, हाथी के पैर के नीचे दबा दिया।
क्रुद्ध हो गए, शाप दिया, मूर्ख तू पद के मद में बहुत झूम रहा है, श्री मदान हो रहा है, शाप देता हूं कि तेरा पद और श्री सब समाप्त हो जाए। जो भयंकर शाप दिया शुक्राचार्य जी को पता लग गया, दैत्यों से बोले कर दो आक्रमण, बहुत बढ़िया मौका है। सारे दैत्यों ने आक्रमण किया और दुर्वासा से शापित होने के नाते सारे देवता हार गए, स्वर्ग खाली करके भाग गए, दैत्यों का आधिपत्य स्वर्ग पर हो गया। जब दैत्यों का आधिपत्य हो गया तो देवता सब रोते रोते भगवान की शरण में गए, महाराज बर्बाद हो गए। भगवान ने मन में सोचा संतों की अवज्ञा करके बार बार रोते रोते मेरे सामने आ जाते हैं, बिना मेहनत के बिन प्रयास के कोई वस्तु मिल जाए तो व्यक्ति उसको महत्व नहीं देता, वो अपनी मेहनत से परिश्रम से जो वस्तु मिले उसका महत्व समझ में आता है। भगवान बोले भाई देवताओं तुम्हारा बल पराक्रम शक्ति सब समुद्र में समा गई, अब तुम दोबारा यदि अपना पद और बल चाहते हो तो समुद्र मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा, उसी को पी करके तुम पुनः बलशाली बन सकोगे। देवता प्रभु से बोले सरकार इतना बड़ा महासमुद्र उसका मंथन हम कर पाएंगे? भगवान बोले तुम तो नहीं कर पाओगे। तो फिर भगवान बोले तुम्हें दैत्यों का सहयोग लेना पड़ेगा। देवता बोले दैत्य भला हमें सहयोग देंगे? कैसी बात करते हो प्रभु, हमारे जन्म के दुश्मन है वो। भगवान बोले मैं जानता हूं वो तुम्हारे दुश्मन है, पर तुम बुद्धि बल का प्रयोग करो, बुद्धिमानी से काम लो, उनसे सहयोग मांगो। कैसे मांगे? तो भगवान एक दृष्टांत देते हैं, सुनो। एक सेठ जी की काठ की पिटारी में सेठ जी हमेशा प्रेस करके कपड़ा रखा करते थे। एक दिन पिटारी का दरवाजा खोला छूट गया और चूहा राम जी घुस गए। उसी वक्त घूमता सर्प आया, चूहे की गंध पाया तो वो भी घुसा चला गया। उसी वक्त सेठ जी का ध्यान गया, अरे दरवाजा खोला है, उसने तुरंत बंद करके ताला मार दिया। अब चूहा सर्प दोनों कैद। सर्प ने जब चूहे को देखा तो जीभ लपलपाने लगा, भोजन मिल गया। फिर मन में सोचा इस पिटारी में पड़ा पड़ा मैं भी तो मर जाऊंगा, तो क्या करूं, ये हमें सहयोग दे तो यहां से छुटकारा मिल सकता है, तो भुक्ति मुक्ति दोनों मिले ऐसा कुछ किया जाए। बुद्धिमान था सर्प, चूहा सर्प को देखते ही थर थर कांप रहा था, डर के मारे भाग भी नहीं सकता, पर दिमाग से काम लिया और सर्प तुरंत चूहे को देख के मुस्कुराता हुआ बोला मामा जी राम राम। चूहा बड़े चक्कर में पड़ गया, ये मेरा भांजा कब से बन गया। डरते डरते कांपते चूहे ने पूछा भैया जी ये रिश्तेदारी कब से निकाली आपने? सर्प बोला मामा जी तुम्हें कुछ नहीं मालूम क्या? अरे परसों की ही बात है, हम सर्पों ने मीटिंग करी थी और उस मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि आज के बाद हम चूहों को कभी नहीं मारेंगे। चूहा बोला अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं, अच्छा पर एक बात बताओ तुमने ये ऐसा क्यों किया, आखिर के चूहों पर इतनी दया क्यों? सर्प बोला देखो आजकल बिना स्वार्थ के तो कोई कुछ नहीं करता, थोड़ा स्वार्थ हमारा है। क्या? बोले आजकल हम लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और रहने को मकान मिलते नहीं, हमारे मकान तो आप ही लोग बनाते हो, पहने पहने दांतों से लंबा लंबा बिल खोद देते हो, हमको जो बिल मिल जाए वही उसी में घुस जाते हैं, आराम से रहते हैं। अब आप लोग रहोगे तो बिल रहेंगे और आप नहीं रहे तो हमारे लिए मकान कौन बनाएगा, इसलिए हम लोगों ने चूहों को मारना टोटल बंद कर दिया, आज के बाद आप भी बिल में और हम भी बिल में साथ साथ रहा करेंगे, इसलिए हमने तुम्हें अपना मामा बना लिया। चूहा बड़ा खुश हो गया, अरे भांजे ये तो तूने बहुत बढ़िया समाचार सुना दिया, मेरी तो जान में जान आ गई, ऐसे मीठी मीठी बातें बना के चूहे का पूरा विश्वास जीत लिया। फिर बोला मामा जी आज बुरे फंस गए दोनों, अब निकलने की सोचो, कहां जाना है कैसे निकलना है। चूहा बोला भांजे अभी तूने मामा का कमाल देखा कहां है, अभी दिखाता हूं, एक मिनट का काम है।
पहने पहने दांतों से तुरंत पिटारी काटना प्रारंभ कर दिया। एक मिनट में बड़ा भारी छेद हो गया। सर्प छिद्र से बाहर निकला, बोला मामा जी निकलाओ, और जो चूहा मामा बाहर निकले गप दी से मुंह में धर लिया। चूहा चिल्लाया, ए भांजे क्या कर रहा है? सर्प बोला, जब तक पिटारी में छेद नहीं था तभी तक के आप मामा जी थे, एक मिनट में सब गट कर गया। तो सर्प कितना बलवान होता है, चूहा तो उसका आहार है, पर परिस्थिति प्रतिकूल पड़ी तो चूहे से सर्प को राम राम करनी पड़ी। अरयोपि ही संधे, भगवान कहते हैं इसलिए कार्य सिद्ध करने के लिए शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। अरयोपि ही संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक बद्देवा नरतस्य पदविंगते। अरयोपि ही संधेया, अरि से भी संधि कर लो, कब? कार्य गौरवे, अपने कार्य की सिद्धि करनी है तब कैसे करें? बोले अहिमूषकवत, जैसे अहि ने मूषक से मित्रता करी, ऐसी आप लोग भी अपने दैत्यों से मित्रता करके अपने समुद्र मंथन का कार्य सिद्ध करो। देवता बोले बस बस, अब आपकी बात हमारी अच्छी तरह समझ में आ गई। सारे देवता तुरंत दैत्यों के पास पहुंचे और दूर से ही दंडवत करना प्रारंभ किया, भैया जी राम राम प्रणाम। दैत्यों को बड़ा आश्चर्य हो गया कि देवता प्रणाम करने आए, क्या हो गया भैया? पर हथियार हाथ में नहीं है इसलिए लगता है लड़ने नहीं आए। दैत्य भी खड़े हो गए, आओ भाई देवताओं कैसे आना हुआ? देवता बोले एक प्रार्थना पत्र लेके आए हैं, कहो क्या कहना चाहते हो? बोले बस यही कहना चाहते हैं कि हम और आप सगे भाई हैं कि नहीं, मानते हो कि नहीं ये बताओ। दैत्य बोले बिल्कुल मानते हैं भाई, तुम्हारे भी पिताजी कश्यप हमारे पिता भी कश्यप, एक ही बाप के बेटा है तो भाई भाई तो होंगे ही। हम माताएं जरूर अलग अलग है, तुम अदिति के बेटा हम दिति के बेटा, परंतु आज ये तुम भाई का संबंध क्यों बता रहे हो? ये तो पुरानी बात है, सब जानते हैं। देवता बोले बस इतना कहना चाहते हैं कि हम एक बाप के बेटा सगे भाई होते हुए भी आप उसमें लड़ते हैं, मरते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं, कितनी गलत बात है, लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। दैत्यों ने कहा ये फालतू की बातें करो मत, हमारी तुम्हारी पटरी ना कभी बैठी है ना बैठेगी, तुम्हारा स्वभाव अलग हमारा प्रभाव अलग। देवता बोले ठीक है, हम कोई पटरी बैठाने नहीं आए तो फिर क्यों आए हो? बोले हम तो बस ये प्रार्थना करने आए हैं, क्यों ना हम दोनों भैया मिलकर के एक बार समुद्र मंथन कर लें, उससे निकलेगा अमृत और उस अमृत को हम सारे भाई मिलजुल करके पी लेंगे। अमृत पीते ही हम सब लोग अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, और अमर हो गए उसके बाद में लाठी डंडे चाहे जितने बजें, लड़ाई होती रहे पर मरने वाला कोई नहीं। बोलो पसंद आई बात? दैत्य बोले भाई तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी लगी हमको, भाई भाइयों में झगड़ा भले ही हो गए पर हत्या तो कोई किसी की नहीं होगी, इसलिए तुम्हारी बात हमको उचित लगती है। सारे दैत्य इस बात पर राजी हो गए, बोले चलो चलते हैं समुद्र मंथन करेंगे। देवासुर मिलकर के समुद्र मंथन हेतु चल पड़े। अब इतने बड़े महासमुद्र का मंथन कैसे करेंगे भाई? मंथन में रस्सी चाहिए, नेति चाहिए, रई कैसे मथेंगे? देवता बोले मंदराचल पर्वत के द्वारा मंथन करेंगे। चल पड़े मंदराचल पर्वत लेने, पर गणेश जी का वंदन नहीं किया। विघ्नेश्वर की पूजा किए बिना कोई काम करोगे तो विघ्न ही विघ्न पड़ेंगे। गणेश जी की पूजा नहीं करी सो गणपति बाबा नाराज हो गए, मैं पिलाऊंगा इन्हें अमृत। सीधे मिलकर के पहाड़ उठा के ज्यों ही चले एकदम बैलेंस बिगड़ गया, धम्म दी से पहाड़ गिरा और तमाम देवता और दैत्य खंडित हो गए, सैकड़ों के हाथ पैर टूट गए। दैत्य तो हाथ जोड़ के बोले भैया हमने तो पी लिया अमृत, पहाड़ है उठाए नहीं बन रहा, मंथन क्या खाक करेंगे, हमें नहीं करना, जो कुछ करना है करो। देवता भगवान को याद करने लगे, प्रभु ये तो श्री गणेश में ही गड़बड़ हो गया, आप ही कृपा करो। सुई ठाकुर जी प्रकट होकर के बोले देवताओं मत घबराओ भाई, पर्वत हम उठा के लिए जाते हैं, आप लोग कष्ट ना लो।
गिरिं चारोप्य गरुडे हस्ते नेकेन लीलया। एक हाथ से ही भगवान ने पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रखकर समुद्र के किनारे लाके स्थापित कर दिया। जैसे ही भगवान पर्वत को किनारे लाए, समुद्र के देवता असुर पीछे पीछे चले आए। बोले भाई रई तो आ गई, अब रस्सी। भगवान ने बोले रस्सी का काम बासुकी नांग कर सकता है, उसे राजी कर लो। सब दौड़ के बासुकी नांग के पास पहुंचे। भैया जी नमस्कार, आओ आओ भैया, कैसे आना हुआ? बासुकी ने सबका स्वागत किया। सब देवता असुर मिलके बोले भैया हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें आपका सहयोग चाहते हैं। क्या? बोले हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, आप तो सिर्फ उसमें रस्सी का काम कर दो, बस यही प्रार्थना। बासुकी नांग बोला कि मुझे तुमने बिल्कुल फालतू समझ रखा है क्या? ये तुम्हें थोड़ा सा काम लगता है? अरे हम रस्सी बन के लिपट जाएंगे, एक पूंछ खींचेगा, एक मुंह तानेगा, खींचा तानी अपने शरीर की हम कराएंगे और अमृत तुम्हें पिलाएंगे, ये परोपकार हमको नहीं करना। सब एक स्वर में बोले महाराज जब अमृत निकलेगा तो सबसे पहले हम आपको ही पिलाएंगे, वचन देते हैं। तब बासुकी नांग राजी हो गया, ठीक है अमृत मिलेगा तो थोड़ा बहुत कष्ट हम भी उठा लेंगे। तेनागराज मंत्र फल भागे न वासुकी, हिस्सा हमारा होगा। इस शर्त पर बासुकी नांग राजी हो गया और जाकर के पर्वत में लिपट गया। प्रभु सोचने लगे कि जिसने इसका मुंह पकड़ा उसी की हो गई विडंबना, अब पूंछ वाले बड़े फायदे में रहेंगे। तो जानबूझ के भगवान बोले सुनो भाई देवताओं, तुम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ उत्तम कुल में जन्म लिए हो, इसलिए आगे की तरफ आप ही लोग लगना। दैत्यों से कहा जाओ जाके तुम पीछे लग जाओ, पूंछ पकड़ लो। इस ढंग से भगवान ने बात कही कि देवताओं का माथा गर्म हो गया। तुरंत बोले महाराज क्या आप हमको गिरे खानदान का समझते हैं? हमको आप क्या समझ रहे हैं? हम पीछे लगने वालों में नहीं है महाराज, मंथन होवे न होवे पर आगे लगेंगे तो हम ही लगेंगे। एकदम सब बिगड़ गए। नग्रणी मो वयम पुच्छम अहे अंगम मंगलम। भगवान बोले नाराज क्यों होते हो भैया, तुम भी बड़े बाप के बेटा हो। अच्छा अच्छा भाई देवताओं जाओ तुम पीछे लग जाओ, जाओ भैया तुम मुंह पकड़ लो। हम मूछों पर ताव मार के बड़े बाप के बेटा बन करके दैत्यों ने पकड़ लिया मुंह। भगवान तो चाहते ही यही थे, प्रभु मान जानते थे कि ये उल्टी खोपड़ी के। संसार में ऐसे कई लोग होते हैं उल्टी खोपड़ी वाले, जो मना करो वो जरूर करेंगे। एक बार एक पंडित जी थे, उनकी पंडितानी जी का यही हाल था, जो कहेंगे पंडितानी को उल्टा चलना है। पंडित जी ने सोचा अब रोज रोज का झगड़ा कौन करे, पंडित जी ने ही अपनी भाषा उल्टी कर दी। उल्टा बोलते थे सीधा काम अपने आप हो जाता था। अब घर में चार मेहमान आ रहे हैं तो भोजन तो देवी जी को ही बनाना है, पर पंडित जी कहते सुनो देवी बताओ चार चार लोग चले आ रहे हैं तुम बिल्कुल रोटी मत बनाना, ये कोई धर्मशाला है क्या, होटल है, कुछ भी हो जाए तुम्हें बनाना नहीं है। सही पंडितानी कहती वाह चार क्या 40 आ जाए, मेरे घर में आ रहे मैं रोटी नहीं बनाऊंगी तो मेरी नाक नहीं कट जाएगी, बेइज्जती नहीं हो जाएगी। ऐसे काम चलता था हमारा। अब आ गया कुंभ का मेला, हरिद्वार का कुंभ। पंडित जी का बड़ा मन हुआ कि सपत्नी के स्नान करेंगे तो पूरा पुण्य मिलेगा, क्या करें। सो जाके बोले देवी जी सुन रही हो, कुंभ का मेला है हरिद्वार का, पर अपन को झंझट में नहीं पड़ना, लाखों करोड़ों लोग पहुंचते हैं, बहुत धक्का मुक्की होती है, तमाम दुर्गति होती है। अरे भगवान का नाम लेके दो बाल्टी ज्यादा से नहा लेंगे, हो गया कुंभ स्नान। सोई पंडितानी बोली वाह महाराज 12 साल का कुंभ दुनिया जा रही है, तुम बाल्टियों से नहाओगे? नहाते रहो, मैं तो हरिद्वार जरूर जाऊंगी। अच्छा ठीक है तेरे को जाना है तो कोई बात नहीं, पर खबरदार जो नाश्ता पानी ज्यादा बनाया तो, कौन खोपड़ी पर लाता फिरेगा? अरे जगह जगह तमाम होटल है, खाते पीते आराम से चलेंगे, सामान कम होना चाहिए। सोई बोली वाह महाराज इतनी दूर जा रही हूं, नाश्ता पानी तो मैं जरूर बनाऊंगी। तो जानबूझ के पंडित जी उल्टा बोल रहे हैं तो सीधा सीधा होता जा रहा है, दिमाग से काम लेते। अब पहुंच गए हरिद्वार हर की पैड़ी।
अचानक पंडित जी बहुत सावधानी से ही बात कर रहे थे, पर पंडितानी जब नहाने के लिए गई तो उनके मुंह से सीधी बात निकल गई। देवी जी धारा बहुत तेज है, किनारे ही बैठ के नहीं हो? बोले वाह, इतनी दूर से आई हूं, किनारे नहाऊंगी, मैं तो भीतर जाके नहाऊंगी। और जो भीतर डुबकी मारी सो गोविंदा है नमो नमः, बहती ही चली गई। पंडित जी सिर पकड़ के बोले हाय राम, मेरे को बुद्धि मारी गई, सीधी बात निकल गई, मैं कितना संभल संभल करके बोलता था, अब गंगा जी के किनारे सीधी बात निकल गई, अब बेचारा बड़ा रोब है, जाल लाओ, हमारी पंडितानी डूब गई। लोग जाल लेके दौड़े, अब धारा इधर चल रही है, पंडितानी यहां डूबी है। पंडित जी बोले इधर जाल डालो। अरे इधर क्यों, वो तो इधर बही होंगी। बोले ना भैया, जिंदगी में मरते मरते उल्टी चली है तो उल्टी ही बही होगी, तो सीधी बहने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। तो ऐसी उल्टी खोपड़ी के भी लोग होते हैं। तो भगवान जानते थे कि दैत्यों की भी उल्टी खोपड़ी है, उल्टा चलते हैं। तो जानबूझ के भगवान बोले भैया तुम लोग पूछ पकड़ लो, सोई बिगड़ गए, हम पूछ क्यों पकड़ेंगे, हम बट लगेंगे तो आगे की तरफ, मुंह की तरफ लगेंगे। भगवान बोले ठीक है ठीक है, तुम बड़े बाप के बेटा हो भाई, मुंह पकड़ लो। अब देवता पूंछ की ओर, दैत्य मुंह की ओर, पर जैसे ही पर्वत को समुद्र के बीच रखा वो तो डूबने लग गया। भगवान ने कहा ये डूब गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत भगवान ने विशाल कछुए का रूप बना के पर्वत को अपनी पीठ पर रख करके उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की जय, कृत्वा बपुः काच्छप अद्भुतम महत्, प्रविश्यतोयम् गिरिमुद्यहार। ये भगवान का कच्छप अवतार हुआ। अब जैसे ही समुद्र मंथन देवता असुरों ने प्रारंभ किया, मुंह की तरफ से दैत्य, पूंछ की तरफ से देवता घर्षण कर रहे हैं। जब बहुत ज्यादा शरीर में घर्षण हुआ, वास्कुई नांग फुसकारें गरम गरम छोड़ने लगा। अब उसकी इतनी गरम गरम फुसकार निकलती है कि मुंह की तरफ लगे दैत्यों का शरीर उसकी फुसकारों से जलने लगा, सारे दैत्य काले पड़ गए और मन ही मन पछताने लगे, और बन लो बड़े बाप का बेटा, देखो पूंछ की तरफ कितनी मस्ती से लगे हैं देवता, हम लोगों की क्या दुर्गति हो रही है, जले जा रहे हैं इसकी फुसकारों से, आग एकदम काले पड़ गए। तो बड़े बनने में बड़े झंझट होते हैं, बड़प्पन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। छोटे बछड़ा पय पिए, बड़े होए भूस खाए। बछड़ा छोटा होता है तो माँ का दूध पी करके मस्त किलकारियां भरता है, और बड़ा होते ही भूसा खाने को मिलता है, हल चलाने को मिलता है, बड़े होते ही विडंबना चाहिए। छोटे छोटे घास को बड़े बड़े तूफानों से कोई खतरा नहीं, खतरा तो बड़े वृक्षों को है, नेक हवाई का धम्म, टूटने का गिरने का तूफान का भय वृक्षों को होता है, छोटी सी दूरवा का क्या बिगड़ने वाला है। बाढ़ आ जाए वृक्ष बह जाएंगे, पर दूरवा बहने वाली नहीं है, किसी ने पैर रख दिया सो दब गई, चला गया तो फिर जैसी की तैसी। छोटे बनने में ही सुख है, बड़े बनने में खतरे ही खतरे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जितना बड़ा उतना ही टेंशन, धर्म परिवार में भी देखो, बच्चा जितना छोटा होगा उतना ही मस्त और सबका लाडला, और जहां बड़ा हो गया उसको टेंशन चालू होगा, और जितना बूढ़ा बुजुर्ग घर में होगा उसी को सबसे ज्यादा टेंशन होगा। तो बड़ों की समस्याएं बड़ी होती है। माताओं की भाषा में कहा जाए कि घर में साग सब्जी सब फटाफट बन जाए, और बड़ा बनाना हो तब पहले से भूमिका बनानी पड़ती है, फटाफट बड़ा थोड़ी बन जाता है। दही बड़ा बनाना हो या कोई भी बड़ा बनाओ तो पहले दाल गलाओ फिर पीसो, तमाम झंझट है। इसलिए बड़े बनने के बड़े झंझट, छोटे बनने के बड़े आनंद। कितने छोटे बने, राई के बीसों हिस्सा। राई जानते हैं, राई का दाना कितना छोटा सा, उसके 20 टुकड़े करो, और जो एक टुकड़ा बने उसके फिर 20 टुकड़े करो, और जो एक टुकड़ा बचे उससे भी छोटे बन करके लाओ। राई के बीसों हिस्सा, तापुन पाछे 20, और ताते नन्ने हुए रहो तब मिले हैं जगदीश। प्रभु की कृपा कब मिलेगी, कृणादपि सुनीचे में,
अपने को छोटे से छोटा बनाओ तो भगवान की कृपा के पात्र बनोगे। देवता छोटे बनने के चक्कर में मस्त रहे और बड़े बनने के चक्कर में दैत्य बेचारे परेशान हो। मंथन करते करते अचानक समुद्र से कालकूट विषाग्नि प्रकट हो गई। विष की भयंकर ज्वालाओं से जलने लगे, छटपटाने लगे जलचर। देवता घबरा गए, असुर भयभीत हो गए। अब क्या होगा? भगवान बोले, कोई ना घबराओ, सारा जहर इकट्ठा करो और चलो भोले बाबा की शरण में। सारा विष लेकर के देवासुर मिलकर के भगवान शंभु की शरण में पहुंचे।